हेलो पापा, मैं बैंक के बाहर बैठी हूँ। जो आपने दीदी की शादी के लिए बैंक के लॉकर में ज्वेलरी रखवाई थी वो चोरी हो गई है, तो मतलब आप बैंक पे भी भरोसा नहीं कर सकते क्या? अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके लॉकर की ज्वेलरी सफाचट हो गई, चोरी हो गई और बैंक ने हाथ झाड़ दिया कि हम तो कुछ पैसा नहीं देंगे, तो बिल्कुल गलत है। आरबीआई के जो नए बैंक लॉकर रूल्स हैं, वो कहते हैं कि बैंक को आपके एनुअल लॉकर रेंटल का 100 गुना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपके लॉकर में आपने तकरीबन 4-5 लाख रुपए की ज्वेलरी रखी थी और आपका एनुअल रेंटल 6,000 रुपए कुछ है, तो बैंक आपको 6,000 रुपए का 100 गुना अमाउंट देगा, विच इज 6 लाख रुपीज, प्रोवाइडेड बैंक को आपको खाली लॉकर भी दिखाना पड़ेगा। इसकी कुछ और करते हैं। आरबीआई ने ये भी कहा है कि सभी बैंक के लॉकर रूम में सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए। हर बैंक को सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 6 महीने तक अपने पास रिकॉर्डेड रखना है, 6 महीने से पहले डिलीट नहीं करना, और हर तरह की बैंक को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है। कब कौन लॉकर में जा रहा है, कब कौन लॉकर से आ रहा है, बैंक को सभी के सभी रिकॉर्ड्स रखने हैं। और अगर कभी भी चोरी हो जाती है तो 100 गुना एनुअल रेंटल देना बैंक को जरूर कंपलसरी है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा और पैसा लाइफ फॉलो करते रहे।